हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो है उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। देखो, पहले अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देखोगे तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें जो है इस बार जो तुम्हारा कोर्स कम कर दिया गया है तो सिर्फ तीन ही फिगर हैं, तीन सॉलिड फिगर हैं। एक तो कोन है और एक तुम्हारा जो ये स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है, बस ये तीन फिगर हैं। ठीक है, ये कैसी फिगर है? सॉलिड फिगर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोन की। कोन आप कहाँ कहाँ देखते हो? बर्थडे की जो होती है उसमें देखते हो, दूसरा जो है आप कोन आइसक्रीम कोन खाते हो उसमें देखते हो, या अगर मूढ़ी जानते हो या चने जो मिलते हैं वो भी हमें कोन में ही मिलते हैं। ठीक है, देखो ये कोन मैंने एक ले लिए, ये ऊपर नीचे से देखो तुम, अगर इसको देख रहे हो सिर्फ इसको देखो कोन को, तो ये वाली सरफेस जिसको मैं छू पा रही हूँ, ये क्या है? कर्व सरफेस। क्या है? कर्व सरफेस। अब देखो कैसे करोगे, बहुत इजी है। ये हमेशा किस पे बनेगी? राइट एंगल पे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको इधर से छुपा दूं तो यहां पर भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल, जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल बोल रही हूं तो ये वाला एंगल तो आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स से जो ये लाइन आ रही है, ये कैसा? नीचे वाला दो पार्ट हुए इसके, दो तरह की सरफेस हो गए। एक तो एक कर्व सरफेस में ये वाला आ जाएगा और नीचे वाला रीजन कैसा? सर्कुलर है। ठीक है, तो अगर हम सर्कल की बात करें तो ये सेंटर है, सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी? रेडियस हो गई। ठीक है, और ये जो साइड में जा रही है इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट, एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। ठीक है, तो अगर देखो ये मैंने यहाँ पे कोन जो आपको दिखाई तो इसमें स्लांट हाइट कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, और बिल्कुल बीच में जो आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? हाइट। ठीक है, और ये हमारी हो गई रेडियस। तो अब कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? पाई आर एल। कैसे आया पाई आर एल? देखो अगर तुमसे पूछा जाए ये वाला इसका, ठीक है, तो ये क्या है? सर्कुलर रीजन है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये ले लिया और स्लांट हाइट क्या है हमारी? एल है। ठीक है, अब आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करेंगे। अभी जो हमने लिया है इसमें कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ कर्व, मतलब ये ऊपर वाला जो है जिसको मैं टच कर पा रही हूँ, सिर्फ यही वाला हमने लिया है। ठीक है, अगर बोले टोटल सरफेस एरिया तो आपको ये कर्व तो लेना ही लेना है, इसके साथ ही जो नीचे वाला सर्कुलर है इसका भी आपको लेना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमें ये तो पता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या क्या होता है? पाई आर एल होता है, ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं कह रही हूँ जो नीचे वाला हमारा सर्कुलर रीजन है इसका भी हमें लेना पड़ेगा। तो इसका जो होगा, अगर इसका एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसमें से हम किसको कॉमन कर सकते हैं? हम इसमें से पाई आर को कॉमन कर सकते हैं। पाई यहां पर भी है आर और यहां पर भी पाई आर, तो अगर पाई आर को मैं बाहर ले आई तो यहाँ क्या बचा? एल। एल क्या हमारी? स्लांट हाइट, प्लस एक आर बच गया, एक तो हम बाहर ले गए। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो हमेशा पाई आर एल प्लस आर। आपको पता है आर क्या है? रेडियस है, और एल क्या है? स्लांट हाइट है। ठीक है, अब हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम होता क्या है एक्चुअली? देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मैं आपको बता देती हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ वॉल्यूम का मतलब क्या है, सब जो कि ये जो भी चीज़ है इसके अंदर मेरे को जो है चने भरने हैं, तो जो जितने चने इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर जितने चने आएंगे वो भी उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे पानी का ग्लास लो, उसके अंदर पानी भरो तो वो वॉल्यूम हो गया उसका। ठीक है, मतलब अंदर से कैसा होगा? वो खोखला होगा, जिसके अंदर हम कुछ चीज भर सकते हैं, जहां हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्फीयर की। ठीक है, स्फीयर देखो, स्फीयर क्या होता है? देखो ये आता है सेकंड जो फिगर है वो स्फीयर है। स्फीयर कैसा है? आपके सामने मैं ग्लोब लेके आ रही हूं, ये एक स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर में तो एक ही सरफेस होती है, स्फीयर में तो एक ही सरफेस है। देखो कुछ अलग तो है नहीं, कहीं से भी इसको देखो तो एक ही तुम्हें सरफेस नजर आ रही है। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछे या कर्व सरफेस एरिया पूछे, इसका फॉर्मूला जो आपका एक ही होगा, और वो क्या होता है? 4 पाई
आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करें वॉल्यूम की, तो जैसे कि ये अगर यहाँ से मैं इसके अंदर, ये तुम्हें होल दिखाई दे रहा है, इस होल से अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डालूँ, कोई मेटल डालूँ या पानी डालूँ या कुछ भी डालूँ, वो जितना वो लेगा, जितना इसमें भर जाएगा, वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ध्यान रखोगे यहाँ पर स्क्वायर है, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर ही होती है और वॉल्यूम की यूनिट हमेशा केस में क्यूब में मिलेगी, तो ये क्यूब है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम चलते हैं तीसरे वाले उसके ऊपर, तो तीसरा है हमारा हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर को तुम ऐसे समझो कि ये एक सर्कल है जिसको मैंने काट दिया, इसके ऐसा ही मैं अगर इसके ऊपर लगा दूँ तो हो जाएगा पूरा सर्कल, होल सर्कल बन जाएगा। अगर सर्कल को बीच से काट दें तो क्या बोलते हैं उसे, हेमिस्फीयर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हेमिस्फीयर, सर्कल नहीं सॉरी, स्फीयर को अगर हम बीच से काट दें तो हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, ये अगर हेमिस्फीयर है तो इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला, ये जो इसके चारों तरफ है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2πr². अब तुम पूछोगे कैसे, देखो अभी मैंने आपको बताया कि हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, वो होता है 4πr². अब उसने बोला हेमी, हेमी का मतलब हाफ, तो आप इसको 2 से अगर काट दो तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2πr². ठीक है, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आप कहोगे कि अभी तो आपने बोला था हेमिस्फीयर में कि दोनों टोटल बोले या कर्व बोले, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है, लेकिन देखो ना बच्चों, अगर हम इसको काट दे रहे हैं तो अब इसकी एक सरफेस तो ये वाली हो गई, और फिर ये नीचे से तो कैसा आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा होगा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, वो होगा हमारा 3πr² अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है डाउट के कैसे आया, देखो 2πr² तो हमने लिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अब जो एक सरफेस नीचे वाली आ गई पाई स्क्वायर और ऐड कर दो तो 3πr² हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सेमी हेमिस्फीयर, तो वो होता है 2/3πr². ऐसे ही समझो कि इसके अंदर जो भी कुछ मैं भर दूँ वो अगर मैं निकालूँ तो वो क्या होगा, 2/3πr². अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें।